दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ लकड़ी लाने। काफ़ी रास्ता लंबा है, मैं चलो आधे रास्ते तक पहुँच गया हूँ। मैं आपको सब प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे लाते हैं हम। ये अब पीछे जाना है बहुत दूर, तो मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। रास्ते में पानी, बारिश पड़ी हुई है, सारा कुछ रास्ता ख़राब है। आखिरकार हम पहुँच ही गए। मैं बता रहा था लकड़ी को, ये हमारी ये जो लकड़ियाँ हैं इनको लेने आए हम। ये शादी के लिए ये बड़ी बड़ी रखियाँ हैं, ये चूल्हे वाली नहीं है, शादी के लिए। दरअसल शादी है तो उसके लिए ये लकड़ियाँ हमने काटी थी। कुछ यहाँ से ले गए हैं तो कुछ थोड़ी सी बची है दोस्तों। तो मैं अब बताऊँगा आपको कैसे हम लगाते हैं इसको, किस तरह से, किस तरीके से लेते हैं। पीठ पर अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये देखो दोस्तों, नज़ारा नीचे ऐसे ही कचरा वगैरह है, ऊपर से आना पड़ता है। ये देख लो सामने। तो ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको बांधते हैं और कैसे लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे हमने, ये देखो, ये हमने रस्सी रखी है गोल मोल करके। तो इससे ये जो है लकड़ी हमारी ख़राब नहीं होगी, पीठ पे सही बैठेंगी, दुरुस्त बैठेंगी। ये देखो, आपको ये लगाने का तरीका बता रहे हैं हम। ये देखो आपके सामने जो आप देख रहे हैं, लगा लिया अपना ये जो पीठ पे लेनी है हमने लकड़ियाँ। ये कुछ लोग और हैं, कुछ मेरे साथी और भी आए हुए हैं। तो ये देखो हमने लगा लिए फाइनली। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, हम ले आए हैं लकड़ियाँ। ये देखो कैसे रास्ते हैं, रास्ते का पता नहीं चल रहा है, ऐसे चलना पड़ता है ये पीठ पे उठा के। ये देखो रास्ते कैसे हैं, रास्ते बहुत ही बुरा है दोस्तों। ये देखो दोस्तों कैसे बांधी है लकड़ियाँ, ये आप देख ही सकते हो। ये देखो दोस्तों, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि कितना अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे। ये ऊपर से बादल छाए हुए हैं, सावन का महीना है। रास्तों में पत्थर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दोस्तों, थोड़ा संभल के उतरना पड़ेगा। मैंने भी लिया सर लकड़ियाँ दोस्त, आप देख ही रहे हो कैसे रास्ते को देखना पड़ रहा है, कहीं पैर फिसले तो गिर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गिरने की। तो ये हमारा रोज़मर्रा का काम है, हम रोज़ ही लेते हैं ये। ऐसे एक बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ये तो हमने ये जो लकड़ियाँ ये कहीं से इकट्ठी करके कोई टूटे फूटे पेड़ जो टहनियाँ होती हैं उनसे ली है। अब खास ख्याल ये रखें, कोई पेड़ ना काटें, सरकार की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रास्ते में हमें एक वो जो होता है लायन, जो होता है शेर नहीं, सॉरी वो लीपर्ड बोलेंगे उसको, दिखाएंगे। तो एक मिनट भाई, साइड होना। भाई ये देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये शेर बैठा हुआ है, ये देखो कैसे देख रहा है भाई। भाई देख लो आप, ये देख सकते हो, ये एक शेर है। ये मैंने जूम किया हुआ है, लेकिन भाई आप ये देख लो, ये देख लो भाई सामने बैठा हुआ है। ये रास्ते में मिला हमें लकड़ी लाते समय, तो आप ये देख ही सकते हो। और भाई सीट लगाना, अभी ये उठेगा खड़े, भाई सीट लगाना। ये देखो भाई बैग हो रहा है, ये चला गया पीछे, ये देख लिया आपने अपनी आंखों से। तो दोस्तों ऐसे भालू ये शेर जो है रास्ते में मिलते रहते हैं हमें। तो ये जो होता है शेर, जो लो जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था आपको पीछे से, तो हम वहाँ पे पहुँच गए हैं लास्ट पॉइंट पे, ये लकड़ी लेके यहाँ से पीछे से हमने आपके सामने से लकड़ी लाई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, इस जगह में वो शेर भी मिला था, यहाँ से हमने लकड़ी लाई, ये देख सकते हो आप। अब थोड़ा ही रहा घर के पहुँचने तक, ये आप सामने सीनरी देख सकते हो, कितना शानदार घर है। ऊपर सभी देवदार के पेड़ है, ये हमारा सुंदरशाला का बढ़ियाल, साथ ही में ये लुहांग पड़ता है, ये आप देख सकते हो ये बढ़ियाल के खूबसूरत मकान। ये देख लो दोस्तों, आप देख ही सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा हैं, ये देख सकते हो आप। ये सामने हमारे घर हैं, ये लास्ट पॉइंट होगा, मैं ये भी बताऊंगा आपको, ये रास्ता देख सकते हो आप। दोस्तों हम आखिरकार पहुँच ही गए, ये आप देख सकते हो। तो ये थी हमारी आखिरी मंजिल। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।